हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एन HTML एलिमेंट्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्ट एंड एंड टैग्स विद द कंटेंट इंसर्टेड इन बिटवीन देम। सो बेसिकली इसका सिंटैक्स होता है, हमारे पास सबसे पहले जो हमारा टैग का नेम है वो स्टार्ट होगा यहाँ पे, उसके बीच में जो कंटेंट है वो आएगा, एंड देन लास्ट में आएगा जो भी टैग हमने स्टार्ट किया है वो यहाँ पे क्लोज होगा। सो HTML elements, the HTML element consists of three parts. First is opening tag. Okay, so it is used to tell the browser where the content material start. यानी कि कहाँ से हमारा जो content है वो start हो रहा है। Then आता है closing tag. It is used to tell the browser where the content material ends. यानी कि जो भी हमारा tag है वो कहाँ पर close हो रहा है। And then last हमारा content. इट इज द एक्चुअल कंटेंट मटेरियल इन साइड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। जो भी हमारा ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी कंटेंट आएगा वो हमारा कंटेंट, जो मेन कंटेंट होगा जो कि प्रिंट होगा वो होगा। ओके, कंबाइनिंग ऑल दीज थ्री पार्ट्स रिजल्ट इन एन ओवरऑल HTML एलिमेंट्स। सो इन तीनों को मिला के हम HTML के एलिमेंट्स बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो हमारा पी टैग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, एंड जो बीच में इसका है हेलो वर्ल्ड, ये हमारा कंटेंट। ओके, सो बेसिकली इसको हम इस तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं। सो अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो इसको प्रोग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये हमारा इसका टाइटल हो गया। ओके, जो हमारा जो वेबसाइट होती है उसके बार में दिखता है। ओके, और ये हमारा यहाँ से बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है जिसमें हमने एक H2 टैग लगाया। H2 होता है हेडिंग के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू गिग्स फॉर गिग्स। सो यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो हमारे पास आ गया वेलकम टू गिग्स फॉर गिग्स। जो पी टैग है उसने क्या किया कि जो नेक्स्ट लाइन है वहां से प्रिंट किया हाई गिग्स। ओके, सो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया हाई गिग्स। बेसिकली जो हमारे ये टैग्स होते हैं, यहाँ पे दो टैग हमारे पास H2 एंड पी टैग, सो इनको हम बोलते हैं HTML के एलिमेंट्स। ओके, सो ये हमारा एक और एग्जांपल है यहाँ पे। इसमें बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे पी टैग स्टार्ट हो रहा है वेलकम टू गिग्स फॉर गिग्स। सो इसने यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया। ओके, नेक्स्ट है HTML एलिमेंट्स। द HTML एलिमेंट्स यूज्ड इनसाइड अनदर HTML एलिमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड एलिमेंट HTML एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि हमारे पास हमने कोई एक टैग यूज किया, उसके अंदर एक और टैग यूज किया, फिर उसके अंदर एक और टैग यूज किया। अगर इस तरह का हम फॉर्मेट लेके चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे लिखा हुआ है दिस एग्जांपल डिस्क्राइब द यूज ऑफ नेस्टेड एलिमेंट्स HTML एलिमेंट्स। हियर द HTML टैग कंटेंस द हेड एंड बॉडी। द हेड टैग, द हेड एंड बॉडी टैग कंटेंस अदर एलिमेंट्स, सो इट इज कॉल्ड अ नेस्टेड एलिमेंट। यहाँ पे जो हमारा HTML टैग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, एंड बॉडी टैग है यहाँ से एंड हो रहा है और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ओके, इसी तरह जो हेड है उसके अंदर भी हमारे पास टाइटल टैग है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा है ये हमारा नेस्टेड HTML एलिमेंट्स है। ओके, नेसेसरी टू ऐड एन एंड टैग। सो इट इज नेसेसरी टू ऐड द एंड टैग ऑफ एन एलिमेंट, अदरवाइज द डिस्प्लेड कंटेंट में और मे नॉट बी डिस्प्लेड करेक्टली। इट इज अ गुड प्रैक्टिस इफ यू ऐड क्लोजिंग टैग टू द नॉन वॉइड HTML element, but nowadays browsers are getting more and more advanced to and forgiving in nature, and that's why if you somehow forget to apply the closing tag in the non void element, the browser will not throw any error, but the problem will arise as you insert more and more HTML elements after that. So isme basically kya ho raha hai ki kya humko end tag jo hai wo use karna kam zaruri hai ya fir nahi hai। तो जहाँ पे जो भी टैग एंड टैग को सपोर्ट करता है उस वहाँ पर हमको एंड टैग क्लोज करना जरूरी है उस टैग के लिए। ओके, अब जैसे BR टैग हो गया, HR टैग हो गया, इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होते तो इनको हमें कोई नीड नहीं है। बट जैसे अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ से, जैसे ये पी टैग है, ठीक है, अब पी टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये एंड कहाँ पर हो रहा है इसका कोई पता नहीं, ठीक है। अब जैसे ये जो H2 टैग है इसको हम इसके नीचे लिख देंगे यहाँ पे पी टैग के नीचे, तो जो ये H2 है ये भी हमारा पी टैग में काउंट हो जाएगा, इसीलिए एक तरह से नेस्टेड बन जाएगा। ओके, सो इसलिए हमको एंड टैग लिखना जरूरी होता है। ओके,
अब देखो यहाँ पे जो इसका इंस्पेक्ट करके इसने दिखाया है यहाँ पे, दिस इमेज इज शोइंग द ब्राउजर डेवलपर टूल्स एंड यू कैन सी दैट द मिसिंग क्लोजिंग टैग ऑफ द पैराग्राफ एलिमेंट इन द अबव रिटन कोड इज ऑटोमेटिकली एडेड बाय द ब्राउजर विदाउट शोइंग एनी एरर। सो आजकल के हमारे जो ब्राउजर है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है, सो उसमें क्या हो रहा है बेसिकली, अब जैसे यहाँ पे हमने छोड़ दिया ठीक है, लेकिन जब ब्राउजर को यह पता चलेगा कि यहाँ पे कोई भी टैग नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजिंग टैग यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि ये ब्राउजर ने ऐड कर दिया है, और इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो हमारा इस तरह से आ जाएगा। ओके नाउ वेब ब्राउजर इज फॉर गिविंग बट इट डजेंट मीन दैट यू स्टार्ट इग्नोरिंग द एंडिंग क्लोजिंग टैग ऑफ द HTML एलिमेंट्स। अब जैसे यहाँ पर ब्राउजर ने एक दो टैग को संभाल लिया, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे कि बहुत सारे टैग को आपने स्टार्ट कर दिया बट क्लोज नहीं किया, तो आपको जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो या तो वो प्रिंट नहीं होगा या फिर उसमें कुछ मिस्टेक होगी। ओके एंड आपको वो जो एरर है वो समझ में भी नहीं आएगी क्योंकि HTML है, इसमें कोई भी आपको एरर दिखेगी नहीं। ओके इट माइट शो सम अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर और एरर इन सम केसेस लाइक इफ यू हैव मोर देन वन HTML एलिमेंट ऑन योर वेब पेज देन omitting the closing tag might result in clashing of the boundaries of the different HTML elements। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक या दो को छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप सभी के लिए ऐसे करोगे तो फिर वो है clashing हो जाएगी एक तरह से। ओके द ब्राउजर वॉन्ट नो वेयर इट एंड्स, इट विल टेक द नेक्स्ट टैग एंड थिंक इट बिलोंग्स टू द प्रीवियस टैग विदाउट द क्लोजिंग टैग। ओके नाउ फाइनल समरी ऑफ द अबव टेक्स्ट सेगमेंट, ऑलवेज पुट द क्लोजिंग टैग टू अ नॉन वॉइड HTML एलिमेंट, हमको हमेशा एंडिंग टैग लगाना जरूरी है। ओके अब जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है दिस एग्जाम्पल डिस्क्राइब द HTML एलिमेंट बाई स्पेसिफाइंग द एंड टैग, सो इसमें हमारे पास इसका भी एंड टैग है एंड देन इसका भी हमारे पास एंड टैग है। ओके नाउ एम्प्टी HTML एलिमेंट, HTML एलिमेंट विदाउट एनी कंटेंट दैट डू नॉट प्रिंट एनीथिंग आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट, यानी कि हमने दो टैग लिए उनके बीच में कोई भी कंटेंट प्रिंट नहीं कराया तो वो सिंपल सी बात है कुछ भी प्रिंट हमारा नहीं करेगा। एम्प्टी HTML एलिमेंट डू नॉट हैव एन एंडिंग टैग, जो हमारे पास एम्प्टी HTML एलिमेंट होते हैं उनका एंडिंग टैग नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस जैसे हमारा BR हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था। ओके यहाँ पे BR हो गया, HR हो गया, लिंक्स हो गया, इनपुट हो गया एटसेट्रा आर द HTML एलिमेंट्स, सो इनका कोई भी एंडिंग टैग नहीं होता है। ओके जैसे यहाँ पे हमारे पास ये BR जो है इसका कोई भी यहाँ पे एंडिंग टैग नहीं है। ओके नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।